आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ई रिक्शा डीसी यानी डीसी कन्वर्टर के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ई रिक्शा का डीसी अगर खराब होता है तो ई रिक्शा पे कौन सा फॉल्ट आते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ आपका ई रिक्शा के लिए कितना एम्पियर डीसी सही रहेगा ताकि तुरंत खराब भी ना हो। अगर आपका ई रिक्शा का डीसी खराब होते हैं तो आप तुरंत आपका ई रिक्शा का डीसी को चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आपके साथ रह जाते हैं, यानी डीसी खराब होना, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि आपका ई रिक्शा के लिए कौन सा और कितना एम्पियर डीसी सही रहेगा। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को कितना एम्पियर का डीसी आपके ई रिक्शा के लिए सही रहेगा वही हम फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ओके करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे हाथ में एक ईटन ई रिक्शा का डीसी है, और ये डीसी पे आप 36 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं, और ये डीसी हमारा इनपुट लेने के बाद आउटपुट करके देते हैं 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट हमारा चले जाते हैं हेडलाइट, इंडिकेटर और इसके साथ साथ हमारा प्यारा सा म्यूजिक सिस्टम पे। ये डीसी अगर खराब हो जाते हैं तो हमारा हेडलाइट, इंडिकेटर और म्यूजिक सिस्टम चलना बंद कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ ई रिक्शा होता है जो हमारा QHD मॉडल पे अगर डीसी खराब हो जाते हैं तो हमारा ई रिक्शा रिवर्स में नहीं चलते हैं। रिवर्स यानी पीछे की ओर, जब आप पीछे की ओर आप स्विच को दबाएंगे तो भी आपका ई रिक्शा फ्रंट की ओर यानी सामने की ओर चलने लगता है। इसका रीजन यही है कि आपका ई रिक्शा का जो डीसी है वो खराब हो चुका है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका ई रिक्शा के लिए कौन सा डीसी सही रहेगा, क्योंकि ई रिक्शा डीसी 10 एम्पियर, 15 एम्पियर एंड 20 एम्पियर तक आता है। ये जो डीसी आप देख सकते हैं ये हमारा 20 एम्पियर का है, और जो QHD मॉडल में हम यूज़ करते हैं वो हमारा डीसी 10 एम्पियर का होता है। तो अभी आपके मन में सवाल आ सकता है कि हमारा ई रिक्शा का डीसी अगर ख़राब हो जाते हैं तो हम कितना एम्पियर का डीसी अपने ई रिक्शा पे यूज़ करें। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हम बताने वाला हूँ कि आपका ई रिक्शा पे कितना एम्पियर का डीसी सही रहेगा ताकि तुरंत खराब ना हो। तो आप डीसी चेंज करने से पहले एक चीज का जरूर ध्यान दीजिए, वो है आपका ई रिक्शा का हेडलाइट और इंडिकेटर। तो आप डीसी चेंज करने से पहले आप फॉलो कीजिए आपका ई रिक्शा पे कौन सा हेडलाइट लगा हुआ है, और इसके साथ साथ आपका ई रिक्शा पे कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है। अगर आपका ई रिक्शा पे हेडलाइट और इंडिकेटर LED है तो आप 10 एम्पियर से लेके 15 एम्पियर तक डीसी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ते हैं। और अगर आपका ई रिक्शा पे हेडलाइट और इंडिकेटर बल्ब लगा हुआ है तो आप 15 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक डीसी यूज़ कीजिए। अगर आपका ई रिक्शा पे हेडलाइट बल्ब है और आप 10 एम्पियर का डीसी यूज करते हैं तो तुरंत खराब हो जाते हैं, इसलिए आप आगे से जरूर ध्यान रखें जब आप डीसी को चेंज करें। अगर आप फॉलो करते हैं आपका ई रिक्शा पे बल्ब हेडलाइट लगा हुआ है तो आप 20 एम्पियर का डीसी यूज कीजिए, तो आपका ई रिक्शा का डीसी तुरंत खराब भी नहीं होगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।